हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। आज हम क्वांटिटी सप्लाई के बारे में रीड करेंगे। व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाई? इफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइजेस, देन इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मींस कि जब भी प्राइजेस में चेंजेस होने से, प्राइस इंक्रीज होने से, डिक्रीज होने से, सप्लाई में जो भी चेंजेस आते हैं, सप्लाई इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई? इफ द चेंज इन If the supply is increase or decrease due to rise or fall in price, it is called change in quantity supply। अब देखो change in quantity supply क्या होते हैं। If the supply is increase or decrease due to rise or fall in price, means कि जब prices में rise होने से, prices increase होने से, decrease होने से supply इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मीन्स जो सप्लाई है उसकी मात्रा में कितना चेंज आ रहा है प्राइसेस के चेंज होने से। अब देखो कि इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज, कि जब भी कॉमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो सप्लाई है वो क्या होगी, एक्सटेंड करेगी, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करेगी, ठीक है। और इसके ऑपोजिट कि अगर प्राइजेस डिक्रीज होते हैं, इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी डिक्रीज, कि जब भी कॉमोडिटी के प्राइजेस डिक्रीज होते हैं तो सप्लाई क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स कि प्राइजेस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होती है एंड प्राइजेस डिक्रीज होने से सप्लाई जो है वो क्या है, डिक्रीज होती है। जब देखो प्राइजेस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज क्या होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। When the supply of commodity increase due to rise in price, then it is called एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब देखो व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई? व्हेन द सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज, जब कोई भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की हम एग्जांपल लेते हैं, अगर एप्पल के प्राइजेस, एप्पल की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू राइज इन प्राइस, एप्पल के प्राइजेस इंक्रीज होने से जो सप्लायर है वो उसके ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि जो सप्लायर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहता है। तो एप्पल के प्राइस राइज होने से जो कॉमोडिटी है, एप्पल की सप्लाई है, वो क्या है, इंक्रीज होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्लियर है? जैसे कि हमने डिमांड के कंसेप्ट में किया था कि जब भी प्राइजेस डिक्रीज होते हैं तो जो डिमांड है वो क्या, इंक्रीज होती है, तो उसे हम क्या कहते थे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। बट सप्लाई क्या, इसके ऑपोजिट है, कि जब भी प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो जो सप्लायर है वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा, ठीक है, कॉमोडिटीज को सेल करने के लिए रेडी होगा, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब देखो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई को हम डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं, सप्लाई कर्व से हम इसको समझेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस प्राइस,
क्वांटिटी सप्लाई। अब देखो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाई एक्सिस पे हम हमेशा प्राइस को प्रेजेंट करेंगे एंड एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई की, वो कितनी मात्रा सप्लाई करना चाहता है, कितनी क्वांटिटी की सप्लाई करना चाहता है। सपोज कि अगर हम पेन की एग्जांपल लेते हैं, अगर पेन का प्राइस 2 रुपीज है, देन जो सप्लायर है, सेलर है, वो कितनी सप्लाई करना चाहेगा, 10। वो 10 पेन की सप्लाई करना चाहेगा। और अगर पेन का प्राइस 2 से 4 हो जाता है, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखो कि अगर पेन का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, 1 पेन का प्राइस 2 से 4 हो जाता है, 4 रुपीज है 1 पेन का प्राइस, तो जो सप्लायर है वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। जो सप्लाई है वो कितनी हो जाएगी, 10 से 15। ठीक है। अब देखो, इफ द प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज 4 to 6, अगर पेन का प्राइस 4 से 6 हो जाता है, देन उस टाइम पे जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज होके 15 से 20 हो जाएगी। और अगर पेन का प्राइस 6 से 8 रुपीज हो जाता है, तो सप्लाई है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी 25। मीन्स कि पेन का प्राइस 8 रुपीज होने से जो सप्लायर है वो 25 पेन की यूनिट्स को, क्वांटिटी को, मात्रा को क्या है, सेल करना चाहेगा। नेक्स्ट है कि अगर देखो पेन का प्राइस 10 रुपीज हो जाता है, 1 पेन का प्राइस 10 रुपीज हो जाता है, देन उस टाइम पे जो सेलर है वो कितनी सप्लाई करना चाहता है, 30 क्वांटिटी। मीन्स कि वो पेन की 30 क्वांटिटी की सप्लाई करना चाहेगा। तो इसीलिए जो हमारी सप्लाई कर्व होगी वो क्या होगी, एक्सटेंशन। दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। मीन्स की जो सप्लाई है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव है यहाँ पे सप्लाई कर्व, मीन्स की जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब देखो कि जब प्राइस 2 रुपीज था, देन उस टाइम पे कंज्यूमर 10 क्वांटिटीज पेन की सेल करना चाहता था, सेलर। अब देखो अगर प्राइस 2 से 4, 6, 8, 10 हो जाता है, मीन्स प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो जो सप्लायर है वो भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, 10 से 15, 20, 25 और लास्ट में 30। तो मीन्स की जो सप्लाई है वो क्या है, एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड मीन्स इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कैसे हो रही है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लायर है वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना चाहता है, तो इसीलिए जो सप्लाई है वो क्या है, इंक्रीज होगी। ये दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। व्हेन दी सप्लाई ऑफ A commodity decrease, due to decrease in price, it is called contraction of supply. अब देखो, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, व्हेन द सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। मींस कि जब कॉमोडिटी की सप्लाई डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, बिकॉज डिक्रीज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस क्या है, डिक्रीज हो गया कॉमोडिटी का, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मींस कि जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब भी प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके पता है कि अगर वो ज्यादा सप्लाई करेगा तो उसे जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट उसे प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में कॉमोडिटी के प्राइस कम है। तो इसीलिए अगर एप्पल के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो सप्लायर क्या है, एप्पल की सप्लाई को भी डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब इसको भी हम ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। Y axis price of commodity,
एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाई। अब यहाँ पे भी हम पेन की एग्जांपल लेंगे। देखो कि पहले जो पेन का प्राइस है वो कितना था, 10 रुपीज। देन उस टाइम पे जो सप्लायर है वो पर डे में कितने पेन को सेल करने के लिए रेडी था, 25। मीन्स कि वो पेन की 25 क्वांटिटी को सेल करने के लिए रेडी था। ओके, बट देखो अगर पेन का प्राइस डिक्रीज हो गया मार्केट में, 10 रुपीज से 8 रुपीज हो जाता है पेन का प्राइस, तो जो सेलर है वो भी क्या है, अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। तो जो सप्लाई है वो 25 से 20 यूनिट्स हो जाएंगी। और अगर पेन का प्राइस और डिक्रीज हो जाता है, 8 से 6 हो जाता है, तो जो सप्लाई है वो और भी डिक्रीज हो जाएगी। सप्लायर अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। और अगर प्राइस 6 से 4 रुपीज हो जाता है, तो जो सप्लाई है वो 10 क्वांटिटीज हो जाएगी। मीन्स कि जो सप्लायर है 6 रुपीज 4 रुपीज प्राइस पे पेन, एक पेन के 4 रुपीज प्राइस पे वो क्या है, पर डे में ओनली 10 पेन की सप्लाई करने के लिए रेडी है। और अगर देखो पेन का प्राइस है वो 4 से 2 रुपीज हो जाता है, तो जो सप्लाई है सेलर की वो क्या है, और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो जो सप्लाई है वो कितनी हो जाएगी, 5। दिस इज सप्लाई कर्व। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, मीन्स कि हमारी जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, डिक्रीज हुई है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है कि जब भी प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो जो सप्लायर है वो अपनी सप्लाई को भी डिक्रीज कर देता है, क्योंकि उससे फिर मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं होता, तो इसीलिए प्राइसेस डिक्रीज होने से वो अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर देता है। तो ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब देखो हमने एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में जो भी आप डिमांड सप्लाई कर्व बनाओगे, ठीक है, प्रेजेंट करोगे, तो वो क्या है, उसमें जो भी ग्राफ बनेगी वो सेम बनेगी। तो इसीलिए आपने जो सप्लाई कर्व में, अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करना है, तो आपने इस एरो को लगाना जरूरी है, मतलब कि जो एरो है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या है कि जो एरो है वो क्या है, अपवर्ड की तरफ ही। तो ये जो एरो है वो, ये साइन है वो आपने लगाना कंपलसरी है, क्योंकि इसके थ्रू ही पता चलेगा कि जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है। क्लियर है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जैसे हमने डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में देखा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड सेम सेम कंसेप्ट सप्लाई में है। बस सप्लाई में क्या है कि जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एंड व्हेन द प्राइजेस डिक्रीज देन सप्लाई आल्सो डिक्रीज, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट कंसेप्ट है हमारा चैप्टर 5th का, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई का, शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, अब देखो जो सप्लाई कर्व है वो टू टाइप से शिफ्ट होती है, ठीक है, राइट साइड, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड। जैसे कि डिमांड में भी हमने जो डिमांड को है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड शिफ्ट किया था, तो वैसे ही सप्लाई है वो भी टू टाइप से शिफ्ट होती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो फर्स्टली हम देखेंगे सप्लाई कर्व शिफ्ट इन राइट साइड, सप्लाई कर्व शिफ्ट इन राइट साइड। अब देखो कि व्हेन द सप्लाई शिफ्ट इन राइट साइड, ठीक है, एंड दी फैक्टर्स, ठीक है, अदर फैक्टर्स चेंजेस। देखो जब भी अदर फैक्टर्स जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में ज्यूम किए थे, लाइक टेक्निक्स में कोई टेक्नोलॉजी वो भी यूज हो रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं,
ठीक है, या फिर जो बायर सेलर्स है उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज वगैरह बनाई है उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इन सबको हमने जो अदर फैक्टर्स थे उनको क्या है डिटर्मिनेंट्स, उनको हमने कॉन्स्टेंट रखा था, मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। तो चेंज इन जो सप्लाई कर्व है वो राइट साइड कैसे शिफ्ट होती है, तो इसमें हम क्या है कि जो भी हमने अदर फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखा था वो फैक्टर्स क्या है उनमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है वो सब फैक्टर्स वेरिएबल हैं, वेरिएबल मीन्स जिनमें चेंजेस हो रहे हैं, बट यहाँ पर हम क्या है जो प्राइस है उसको कॉन्स्टेंट रखेंगे, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट जो फैक्टर्स हैं अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हमने क्या है वेरिएबल माना है, ठीक है, एज्यूम किया है, तभी हम क्या है जो सप्लाई कर्व है उसको राइट या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे सप्लाई कर्व शिफ्ट इन राइट साइड। अब देखो कि सप्लाई कर्व को हमने राइट साइड शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास अदर फैक्टर्स हैं, अदर डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको हमने कॉन्स्टेंट रखा था, तो उसमें से एक जो डिटर्मिनेंट है उसको हम चेंज करेंगे, लाइक जैसे कि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है, इंप्रूवमेंट इन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा फैक्टर है, इसको हम क्या है चेंज रखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल मीन्स जो चेंजेस हो रहे हैं। तो देखो अब अगर हमने सप्लाई कर्व को राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो हमने ये ज्यूम किया है कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंप्रूवमेंट हुई है, पहले जो टेक्नोलॉजी जो सप्लायर प्रोड्यूसर यूज कर रहा था कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी थी, मतलब बेटर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट अब क्या है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो कॉमोडिटी की प्रोडक्शन के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुए हैं तो हमारी जो सप्लाई कर्व है वो राइट साइड कैसे शिफ्ट होगी, प्राइस सप्लाई। अब देखो कि इसमें हमने क्या माना है कि जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंट है, प्राइस इज कॉन्स्टेंट, बट जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन जिसमें चेंजेस होते हैं। अब देखो कि अगर प्राइस ओपी है हमारे पास, प्राइस को हम यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर रहे, अल्फाबेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट, लेटर्स में प्रेजेंट कर रहे हैं, कि देखो कि अगर प्राइस है ओपी मीन्स प्राइस हमारे पास कॉन्स्टेंट है, देन उस टाइम पे जो सप्लायर है वो ओ क्यू क्वांटिटी सप्लाई करता है। ठीक है, कोई भी कॉमोडिटी है, एप्पल है, मैंगो है, अगर हम मैंगो के एग्जाम्पल लेते हैं कि जब मैंगो का प्राइस ओ पी है, तो उस टाइम पे जो सप्लायर है वो क्या है ओ क्यू क्वांटिटी मैंगो की सप्लाई करता है, तो इसलिए जो सप्लाई कर्व है ये क्या होगी हमारी सप्लाई कर्व। ठीक है, बट देखो कि प्राइसेस कॉन्स्टेंट रहने से जो सप्लायर है अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है ओ क्यू से ओ क्यू वन कर देता है, ओ क्यू से ओ क्यू वन करता है, ओ क्यू वन मतलब अपनी सप्लाई को इंक्रीज क्यों कर देता है वो, क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें चेंजेस हो गए हैं, मीन्स जो टेक्नोलॉजी है अब उसके पास न्यू टेक्नोलॉजी है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा उसका स्टॉक तैयार करेगा मैंगो के। ठीक है, तो मैंगो के ज्यादा स्टॉक तैयार करेगा मतलब कि वो मार्केट में सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इससे क्या है कि प्राइस के कॉन्स्टेंट रहने से भी वो क्या है सप्लायर क्या है अपनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, सप्लाई उसने कितनी की है ओ क्यू से ओ क्यू वन, मीन्स कि जो सप्लाई है वो शिफ्ट हो चुकी है राइट साइड, प्राइस कॉन्स्टेंट है बट जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने से सप्लायर ने क्या है अपनी सप्लाई को इंक्रीज की है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज की है, तो इसीलिए जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई कर्व एस एस से शिफ्ट होके एस वन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मीन्स की सप्लाई राइट साइड शिफ्ट हुई है। ठीक है, क्लियर है, सप्लाई कर्व शिफ्ट इन राइट साइड, राइट साइड सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट होती है कि जब प्रोड्यूसर जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उसके पास टेक्नोलॉजी में उसने इंप्रूवमेंट की है, न्यू टेक्नोलॉजी ली है, तो इसीलिए प्राइसेस कॉन्स्टेंट रहने के बावजूद भी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, फिर भी जो प्रोड्यूसर है वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है ओ क्यू से ओ क्यू वन, तो जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, राइट साइड शिफ्ट हो जाती है,
एस एस से सप्लाई कर्व एस वन की तरफ शिफ्ट हो गई, दिस इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व राइट साइड। नेक्स्ट में हम देखेंगे सप्लाई कर्व शिफ्ट इन लेफ्ट साइड। सप्लाई कर्व शिफ्ट इन लेफ्ट साइड। अब देखो कि जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड कैसे शिफ्ट होती है, यहाँ पर भी सेम एज राइट साइड के जैसे कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स हैं अदर थिंग्स हैं उनको हम उसमें उनको हम वेरिएबल्स मानेंगे, मीन्स उसमें चेंजेस हो रहे हैं, बट जो प्राइस है वो क्या है कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पर भी देखो कि जो प्राइस है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास अदर फैक्टर्स में लाइक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स चेंजेस हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। फर्स्ट में हमने राइट साइड जब सप्लाई कर राइट साइड शिफ्ट होते तो उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई थी वो उस फैक्टर को हमने वेरिएबल माना था, और यहाँ पर जो अगर हमने सप्लाई कर्व को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल मानेंगे, मतलब कि प्रोडक्शन करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए लेबर टेक्निक्स वगैरह तो उसमें क्या है चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉमोडिटी का प्राइस है वो क्या है कॉन्स्टेंट, मीन्स जो प्राइस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। इसको भी हम डायग्रामेटिकल वे में प्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस प्राइस सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी, अब देखो कि अगर कॉमोडिटी का प्राइस है ओपी, ये तो हमने अज्यूम किया ही है कि जो कॉमोडिटी है उसका प्राइस है ओपी। ठीक है, और उस टाइम पे जो सप्लायर है वो कितनी सप्लाई कर रहा है ओ क्यू, ओ क्यू क्वांटिटी है कॉमोडिटी की वो सप्लाई करता है। अब देखो जैसे कि हम सोप के एग्जांपल लेते हैं साबुन वगैरह की, तो उसमें क्या है कि अगर सोप का प्राइस ओपी है और जो सप्लायर है वो कितनी सप्लाई कर रहा है उसकी, कितनी सप्लाई करने के लिए तैयार है ओ क्यू, ओ क्यू सप्लाई करना चाहता है वो सोप की, बट देखो कि प्राइस, तो इसलिए जो सप्लाई कर्व है दिस इज सप्लाई कर्व एस एस। ठीक है, बट देखो कि जो प्राइस है वो क्या है कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो फैक्टर्स हैं अदर डिटर्मिनेंट्स हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें क्या है चेंजेस हो रहे हैं, मीन्स कि अगर सोप की प्रोडक्शन सोप तो प्रोड्यूसर अगर सोप की प्रोडक्शन कर रहा है तो सोप के लिए जो भी उसको मटेरियल रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसका प्राइस क्या है इंक्रीज हो गया। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो जो प्रोड्यूसर है वो कम से कम सप्लाई करेगा उस प्रोडक्ट को, वो कम तैयार करेगा, उसका स्टॉक कम तैयार करेगा, तो स्टॉक कम तैयार करने से उसकी जो सप्लाई है वो भी क्या है डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर है प्राइस के कॉन्स्टेंट रहने पर जब वो ओ क्यू क्वांटिटी सोप की सप्लाई कर रहा था, अब क्या है वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा, मीन्स उसकी जो सप्लाई है वो ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाएगी। मीन्स जो सप्लाई कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई है। This is supply curve. दोस्तों जो supply curve है वो क्या है left side shift हुई है। left side क्यों shift हुई है, क्योंकि जो cost of production है soap की production के लिए जो भी raw material चाहिए उसके prices market में increase हो गए हैं, तो इसीलिए जो seller producer है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा soap की production करेगा तो उसे जो raw material है वो expensive rate में market में से purchase करना पड़ेगा, तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा अपने सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं प्राइस कॉन्स्टेंट है, बट कंज्यूम जो सप्लायर है वो क्या अपने सप्लाई उसने डिक्रीज कर दी। पहले वो ओ क्यू क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था सोप की, ठीक है, बट वो सप्लाई क्या है डिक्रीज हो गई ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गई है, तो इसलिए जो हमारी सप्लाई कर्व है
वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हुई है, एस एस से एस वन की तरफ शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पे आपने ये साइन लगाना कंपलसरी है, बिकॉज दिस साइन इंडिकेट दैट दी सप्लाई कर्व शिफ्ट इन लेफ्ट साइड, ठीक है। और राइट साइड में भी मैंने ये वाला साइन आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में भी हमने ये साइन लगाना कंपलसरी है, क्योंकि इससे हमें जो है क्लियरली हमें ग्राफ में क्लियर हो जाएगा कि जो सप्लाई कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट कर रही है। तो यहाँ पे भी जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रही है, क्लियर है। तो ये था हमारा टॉपिक, सप्लाई कर्व शिफ्ट इन शिफ्ट इन राइट साइड और सप्लाई कर्व शिफ्ट इन लेफ्ट साइड। मीन्स कि जब भी हमने डिमांड या फिर सप्लाई को शिफ्ट करना होता है राइट से लेफ्ट साइड या लेफ्ट से राइट साइड, तो वो कैसे होती है कि हमारे पास जो अदर फैक्टर्स होते हैं, अदर थिंग्स होती हैं, उनको हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट ऑफ सप्लाई का लास्ट टॉपिक था, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो आज हमने चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के बारे में डिस्कस किया है। ये थे जो भी हमने फर्स्ट 5 चैप्टर किए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, सप्लाई। तो ये सब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने आपको बताया था व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे भी हमने जो कंज्यूमर है प्रोड्यूसर है उनके ऊपर स्टडी की है कि प्राइजेज इंक्रीज होने से कंज्यूमर अपनी डिमांड को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या फिर प्राइजेज इंक्रीज होने से डिक्रीज होने से जो सप्लाई या प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो कंज्यूमर है प्रोड्यूसर है उनकी बिहेवियर के ऊपर स्टडी की है कि वो मार्केट में उनका कैसे बिहेवियर है, प्राइजेज में चेंजेस आने से उनका बिहेवियर मार्केट में कैसे होता है, तो उस चीज के ऊपर हमने स्टडी की है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम 14th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। तो अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है कि जिसमें हम ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है, प्राइस लेवल, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, नेशनल इनकम, तो इन सब के ऊपर हम क्या है ओवरऑल इकोनॉमी है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, तो वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हम 14th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो, अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो, इकोनॉमी में है जो पर्सन हैं वो वेरियस इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज करते हैं। कुछ पर्सन लाइक जैसे कि हमारी कंट्री में लोग क्या है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लोग क्या है स्टडी कर एक्टिविटीज करते हैं। अब देखो कि जो पीपल है वो अपनी लिविंग अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करते हैं एक्टिविटीज करके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो, जो भी पर्सन एग्रीकल्चर एरिया में काम कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, या फिर वन स्टेट का अनदर स्टेट के साथ जो भी ट्रेड करती है, ठीक है, तो वो सब कुछ क्या है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड होते हैं। तो जो पीपल है वो इनकम कैसे जनरेट करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करते हैं, थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कुछ पर्सन होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिजिकली करते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको खुद काम करना पड़ता है, एंड सम पर्सन डू इकोनॉमिक एक्टिविटी मेंटली, ठीक है, मतलब कि जहाँ पे उनको क्या है कंप्यूटर में, मतलब लाइक जैसे सर्विस सेक्टर में वो काम करते हैं, अपना माइंड यूज करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जो भी वर्क करते हैं। तो कुछ पर्सन को फिजिकली काम करना पड़ता है और कुछ लेबर जो है जो मेंटली वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी कंट्री है तो ऐसे कंट्री में क्या है जितने भी पर्सन हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो वर्क करते हैं। अब देखो, जो इनकम है, द इनकम ऑफ सच कंट्रीज वेयर द मोर पॉपुलेशन इज इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
इज मोर। अब देखो कंट्रीज की जो इंकम है वो कुछ कंट्रीज मतलब देखो जो कंट्री की इंकम है नेशनल इंकम है वो किस पे डिपेंड होती है, एक पॉपुलेशन पे। मतलब जिस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में इंगेज है, मतलब लोग जितना ज्यादा काम कर रहे हैं कंट्री में उतनी ही ज्यादा हमारी कंट्री की क्या है नेशनल इनकम होगी। और लोग उन कंट्रीज में जहाँ पर पॉपुलेशन कम पॉपुलेशन है जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में इंगेज है इंक्लूड है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ की उस कंट्री की जो इनकम है वो क्या है कम होगी इन कंपेयर अदर कंट्रीज। मतलब जिन कंट्रीज में ज्यादा लोग इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में इंक्लूड है वहाँ की जो इनकम है वो भी ज्यादा होगी, और जिन कंट्रीज में कम पर्सन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में इंक्लूड है तो वहाँ पे जो इनकम है नेशनल इनकम होगी कंट्री की वो भी कम होगी। अब देखो टुडे अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो हर एक कंट्री एवरी कंट्री वॉन्ट्स टू रिच, एवरी कंट्री क्या ट्राई कर रही है डेवलप, क्योंकि इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड हो। ठीक है, तो जो कंट्री की डेवलपमेंट है वो बेसिकली किस पे डिपेंड है नेशनल इनकम, द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री इज डिपेंड ऑन नेशनल इनकम। अब देखो कोई भी कंट्री है उसकी जो डेवलपमेंट है वो किस पे बेस्ड है, डिपेंड अपॉन नेशनल इनकम। मींस कि हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम कितनी है, व्हाट इज नेशनल इनकम, द इनकम ऑफ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम, इनकम ऑफ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। मीन्स वन ईयर में फाइनेंशियल ईयर में कंट्री में जो भी इनकम जनरेट होती है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के थ्रू हमारे कंट्री में जो भी इनकम जनरेट होती है उसे कहते हैं नेशनल इनकम, मीन्स कि नेशन की इनकम। तो ये था हमारा टॉपिक, कल हम स्टॉक एंड फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।